हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पल बॉडी पॉलिशिंग। जी हाँ, अगर आपकी शादी होने वाली है या आप भी अपने चेहरे पर चाहते हैं कि खूबसूरत निखार, ग्लोइंग स्किन और एक फ्लॉलेस स्किन, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं पल बॉडी पॉलिशिंग की। अगर आपका भी निखार कहीं खो गया है इस एटमॉस्फेयर में, आपकी स्किन पर भी बहुत जल्दी फर्क पड़ता है पोल्यूशन का, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो गए हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, और आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई स्टेप मिस मत कीजिए। तो यहाँ हमें सबसे पहले लेना है ग्राइंडर। एक ग्राइंडर लेंगे और इसमें हम डालेंगे चावल। आप जी हाँ, चावल आप जानते हैं कोरियन ब्यूटी में कितना ज्यादा चावल यूज किया जाता है। चावल में कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी स्किन को लाइटन बनाते हैं, ब्राइटन बनाते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्शन को फेयर करते हैं, आपकी स्किन से डेड सेल्स को निकालते हैं, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। तो यहाँ हम लेंगे लगभग एक चम्मच चावल। आप कोई सा भी चावल इसमें यूज कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है, डालेंगे बेसन। यहाँ हमें एक चम्मच बेसन लेना है। बेसन आपके स्किन के फेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइंस है या फिर जो स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो बेसन आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और साथ ही साथ जो है दाग धब्बों को हटाएगा। थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। हमें यहाँ पर लेमन जूस का यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर लगभग 1/4 लेमन लेना है। एक नींबू का टुकड़ा लेंगे। इसमें विटामिन सी भरपूर होता है जो आपकी स्किन को चमकदार बनाता है। आजकल विटामिन सी युक्त बहुत सारी क्रीम और फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, सीरम, तरह तरह की चीजें मार्केट में आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांड इसको बना रही हैं। तो यहाँ हम वो सब होती है प्रिजर्वेटिव बेस्ड, लेकिन यहाँ हम लेंगे ओरिजिनल जो आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करेगा। और विटामिन, जितना लेमन जूस में विटामिन सी होता है उससे कहीं ज्यादा जो है उसके लेमन पील में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेमन पील का भी यूज करेंगे। इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपकी स्किन को गोरा बनाने के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पर लगभग एक चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल लीजिए। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। केवल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए है। ऑलिव ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो विटामिन ई जो है ब्यूटी एजेंट है, जिसका हम अपने DIY में यूज करते हैं। बाद हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आटा। इसको हम लेंगे एक चम्मच। और आटा जो है आपको शीन और शाइनी लुक देता है। आटा आपकी स्किन से गंदगी को हटाता है और जिससे आपका जो है कॉम्प्लेक्शन फेयर लगता है। ये जो है आपके ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध हम लेंगे लगभग यहाँ दो चम्मच के करीब, और इसको आप क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। बस कच्चा दूध हम इसलिए यूज कर रहे हैं इस अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए। कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होते हैं जो आपकी स्किन को फेयर बनाते हैं, आपके pH लेवल को बैलेंस करते हैं। अगर आपकी स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई है या फिर जो है ऑयली है तो उसको ये बैलेंस करता है दूध। इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए मैंने जो है ट्रांसफर कर लिया एक बाउल में। हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करना है नहाने से पहले। जी हाँ, इस पर अप्लाई कीजिए, गर्दन पर, नेक पर, अपने ऑल ओवर बॉडी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये सूख जाए तो इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के छुटा लीजिए। ये आपकी स्किन से जितने भी टैनिंग है उसको खत्म कर देगा। अगर व्हाइट हेड और ब्लैक हेड हो गए हैं आपकी फेस पर, स्किन पर, किसी किसी के बैक पर भी हो जाते हैं, तो उसको ये रिमूव कर देगा। आप इसको पूरी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट लगा के रखिए। इसको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से रब कीजिए, पूरी बॉडी का आप इसको रब करके हटा दीजिए। अगर ये पैक आपका ज्यादा सूख गया तो हल्का सा पानी ले लीजिए, उसके बाद इसको हल्का सा गीला करके तब उसको धीरे धीरे रब करके छुटाइए और ये पूरी तरह से छूट जाएगा। और उसके बाद जो है आप नहा लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे ना कि आपकी जो स्किन है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लगेगी इसको हटाने के बाद। लेकिन इसके जब उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप इसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। इसको आप वीक में कम से कम 2 से 3 बार कीजिए, और उसके बाद जब तक आपकी शादी होगी तब तक आप अपनी स्किन का निखार देखिए। हालांकि देखिए, शादी में सब लोग मेकअप कराते हैं, फेशियल कराते हैं, लेकिन जो आपका नेचुरल ग्लो आता है वो आपकी होम रेमेडीज से ही आता है। वो इसमें आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल खाइए, मतलब फास्ट फूड और जंक फूड से दूरी बना के रखिए, पानी खूब पीजिए, और जो ये मैंने पैक बताया है इसको वीक में 2 से 3 बार लगाइए, और उसके बाद अपनी स्किन पर फर्क देखिए।
बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मेरा दूसरा चैनल है फैशनहोलिक, जिसमें मैं फैशन रिलेटेड वीडियोज डालती हूँ। अगर फैशन फिकर हैं तो आप उसकी जाके विजिट कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ये, और आप उसमें कुछ अलग सा नया नया देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए। और आई विल बी बैक सोन। बाय बाय।